तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाले दो कलर मंगाए हैं मैं। इसमें ना ग्रीन कलर भी था, मैंने चार कलर लिए थे साथ में। और फ्रेंड्स ये ना बॉक्स लेके आई थी उस दिन जब टीना जी के रनु कनु की शादी। हाँ अब बताओ। वाओ! पे किया था तो उसमें ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का फेशियल किट है। थोड़ा जोर से बोलो, जोर से। विटामिन सी का फेशियल किट है और ये मेरे ख्याल से सीरम है, फेस सीरम विटामिन सी। गूगल पे किया था तो कूपन कोड आया था, एक 1000 रुपीज का था जो मुझे 200 में पड़ा। तो उसमें मतलब मिला कैसे आपको, फ्री के मतलब 200 रुपए में कैसे मिला? पैसे ट्रांसफर किए थे। हाँ। तो कूपन कोड आया था। अच्छा, मतलब वो जब रिवॉर्ड में आता है गूगल पे में और ऐसे फोन पे में। अच्छा। किया था मैंने पैसा किसी उसके रिवॉर्ड में ये कूपन आया था। अच्छा, मैंने अप्लाई करके फिर ऑर्डर किया। तो उसमें कुछ भी मंगा सकते, यही मंगवाना जरूरी है या कुछ? कूपन कोड इसी का था। अच्छा, इसी का था। ये क्या कर रहा है? कब यूज करोगे आप? वो एक पॉलीथिन जैसा आता है मुंह पे चिपका के रखना। हाँ, इसको दिखाओ चिकू, जरूरी है देखना। चिकू के है वो ब्राइटनिंग फेशियल किट है, जिसके अंदर कितने निकलेंगे किट का मतलब? किट नहीं, वो मेरे ख्याल से वो नहीं है, ये वो मतलब पता है क्या, फेशियल के सारे स्टेप होते हैं इसमें, वो है का। चिकू हाथ के लग जाएगी, पंचायती रे। ये साफ सफाई वाला ही है पूरा, फेस स्क्रब है, मसाज जेल है, ऑर्गेनिक मसाज। हाँ, अलग अलग पाउच आएंगे इसमें। हाँ, वो और इनमें फेस मास्क है, फिर एंड में 5 स्टेप में है। अच्छा, लिखा हुआ है इसके ऊपर, लिखता है यूज कैसे कैसे करना है। फिर आप करना, मेरे से करवा लेना फेशियल। मैं भी देखूंगा पापा, मैं भी देखूंगा। चिकू करेगा फेशियल, ठीक है? चिकू कैसे करता फेशियल? कैसा लगा तुझे गिफ्ट? कैसा लगा? मजा आया? इधर आके डांस कर। हाँ, कैसा लगा चिकू तुझे? किसका है ये? मेरा। कौन आया? किसके लिए? ये क्या लाया तेरे लिए चिकू? फिर तेरी, तू बड़ा होएगा, तू पढ़ाई नहीं करेगा, फिर तेरी क्या होएगा? तेरे इतने घर से पापा अच्छे पापा है ना? मैं तू छोटा है? मैं बड़ा हो जाऊंगे तब मारोगे आप, कह रहा? नहीं, मैं नहीं मारूंगा। आज चप्पल देगा पापा, बड़ा तू बड़ा हो जाएगा ना तब भी नहीं मारेंगे, ठीक है? ऐसे ही पढ़ाई कर लेगा चिकू। मम्मी का बोला, मम्मी का भी आया, मम्मी का भी आया उस रूम में। तू मेरा बेटा है? मम्मी को बोला मैं तो पापा का बेटा हूँ। जीभ दिखाओ तो ज्यादा करता। बोलो तो तो मैं पता है फोन लेके अंदर, फोन लेने के लिए अंदर गई थी, फिर बिस्तर पड़े थे वो समेटने लग गई थी, तो फिर मैंने पोहे बनाए थे, मेरे का पोहे का वीडियो लोगी पर चिकू के पापा ने फिनिश कर दी। और मेरा और चिकू के पापा का दूध है, मतलब चाय दूध मिक्स बनाते हैं। आजकल चाय कोई पीता नहीं है, ये चिकू के लिए लाई हूँ। चिकू कभी पीता है कभी नहीं पीता, ऐसे ही रहता है। और हम लोग बाहर बैठे हैं अभी, थोड़ी हवा चल रही है देखिए। और क्या बताऊँ, सोरू को स्कूल भेज दिया, अभी 8 बजे है और चिकू चला गया अंदर, उसको लेने गए उसके पापा। इधर आ सांप, इधर आके लड़ाई कर, इधर ये मेरा सांप है। इधर आ, इधर इधर वो, ये क्या तेरा बड़ा सांप हो गया? चिकू को इतना बड़ा सांप हो गया, देखो इतना बड़ा। अब आओ दूध पियो, चिकू दूध पिएगा ना तो दूध बिस्किट खाएगा, तो क्या करेगा, क्या करेगा? भू पिएगा। क्यों, भू नहीं पिलाऊंगी, नहीं पिलाऊंगी। मल्लिका अरोड़ा, मल्लिका का सब जानते हैं, क्या उसका आइटम डांस कौन सा था? मुनि मुनि बदनाम, उसका ब्रेकअप हो रहा है अर्जुन कपूर के साथ। अच्छी बात है फ्रेंड्स, एक टाइम था तभी घुघरू वाली चूड़ियाँ इतनी चली थी ना, और मैंने 3 सेट लिए थे उस टाइम। फिर इनका मैंने ससुराल में तो लोगों ने पहन ली और मैंने ला के अहमदाबाद में रख ली थी, तो अब इसका बिल्कुल फैशन नहीं है। और इनके पड़े पड़े मोती भी थोड़े काले हो गए, पर पहने हुए सुंदर लगती है पर कभी पहनी ही नहीं। मतलब खरीदी तब से एक आधी बार पहनी होगी, और आज मैं अपनी चूड़ियाँ वूड़ियाँ सेट कर रही हूँ, तो इसमें सारे ये कड़े वड़े जो
इनको बंगड़ी वगैरह बोलते हैं वो है, ये मेरे सदाबहार वाले कड़े हैं, और ये ज्वेलरी वगैरह में सारे डब्बे ऐसे बिखेर के रखे। उस दिन तीज वाले दिन तैयार हुई थी ना, तब के सारे ऐसे बिखरे हुए थे, तो आज मैंने कहा थोड़ा सेट कर लेती हूँ। इस बैंगल बॉक्स में डाले काफ़ी सारे, तो इसकी चेन ख़राब हो गई। जो कांच वाले अच्छे वाले बैंगल बॉक्स है वो तो ससुराल में पड़े, यहाँ पे बस ये चलाऊ वाले हैं। फिर भी यहाँ पे भी इतने सारे चूड़े इकट्ठे हो गए, इतने ससुराल में पड़े हैं, और यहाँ पे इतना नहीं पहना जाता, फिर भी आती हूँ, हर बार आती हूँ, एक दो चूड़ा लेके आ जाती हूँ यहाँ पे, और कभी पहना जाता है कभी नहीं पहना जाता है। और इसमें सारे ये कड़े डाले हैं, जो सिंगल कड़े पहनने होते हैं। टूट गए, वापस अंदर डाल दो, सेट कर दो इसको। तो ये कड़े वगैरह सेट करे इसमें मैंने, जब सिंगल कड़े पहनने होता है या फिर ढाल उतार का चूड़ा पहनते हैं तो उसके आगे पहनने का होता है। और अभी ज्वेलरी सेट करनी है, जो जितनी जैसे ही खोली थी ना ओढ़ने में बांध के रख दी थी वो वैसे ही पड़ी थी, तो अब मैंने कहा थोड़ा सा टाइम था तो सोचा सेट कर देती हूँ सारे। इसमें ना ग्रीन कलर भी था, मैंने चार कलर लिए थे साथ में, और ये ना ओढ़ने में अड़ती नहीं है, बहुत अच्छी चूड़ियाँ। पर ये मेरी गलती यही थी कि मैंने अहमदाबाद ला के रख दी, वापस ले जाना भूल गई। राजस्थान लेके जाती तो शादियों में पहनी जाती। क्या हो गया? चिकू ने मेरे से अभी मार खाई है थोड़ी सी, चूड़ियाँ सारी बिखेर रहा था पैरों से। और अभी पंप लाया है, हवा भरना है। क्या हो गया, ख़राब हो गया? चलो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स ये ना बॉक्स लेके आई थी उस दिन जब टीना जी के रनु कनु की शादी की शॉपिंग करने गई थी ना, तब उनके भी लाई थी ऐसे, और मेरे भी लाई। तो इसमें जो हैवी पोशाक बरियाँ वगैरह है वो सब इसके अंदर आ जाएगी, मतलब अलग अलग पैक करके रखने की ज़रूरत नहीं, सारी एक साथ में आ जाएगी। अच्छा है काफ़ी, मैंने दो लिए, एक थोड़ा बड़ा लिया, ये बड़ा है, एक इससे छोटा लिया। क्या है, तो ये ऊपर से ऐसे खुल जाता है, और सीलन की भी टेंशन नहीं रहेगी मुझे, मेरे घर में सबसे ज़्यादा सीलन की टेंशन है इसलिए। हाँ अभी तो इसमें और आ जाएगी, मैंने काफ़ी डाली है, काफ़ी नीचे पड़ी है थोड़ी, तो वो और निकाल के इसमें डालूंगी। ये क्या है, ये चेक कराओ, ये कौन लाया तेरे? सीमा बुआ। तो ये चीकू के सीमा बुआ लेके आई थी, सीमा बुआ के घर पे गया था तो वहाँ से ले लिया इसने, सीमा बुआ से जिद करके। अब चलाता कैसे, चलाता है बता बेटा कैसे चलाता है इसको? ये अच्छा लग रहा है तुझे? चम करो, कैसे मजा आ रहा है? क्या है चीकू, क्या कर रहा है? हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स अभी टाइम है शाम के 4 बजे, और अभी हमारे घर पे कलर पेंट का काम चल रहा है, क्योंकि वैसे तो नहीं करवाना था पर मेहमानों वाला रूम है ना उसमें पूरे में चिकू ने पेंसिल वेंसिल चला के थोड़ा गंदा भी हो गया था, क्योंकि हाथ वाथ लगते रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही वाला रूम यूज आता है, वहाँ पर टीवी लगा हुआ है, सब टीवी देखने के लिए बैठते हैं, वहीं पर खाना पीना होता है इसलिए। और हमारा जो बेड है, ये बेड है, इसमें क्या हुआ था, दिमक लग गई, तो अंदर की जो पलाई है ना, ये वाली इसके नीचे जो पलाई है उसमें पूरे में ऐसे पाउडर सा निकलता रहता है, वो लोग दिमाग वो लकड़ी खा के और पूरे में ऐसे छोटे छोटे से मतलब पाउडर के ऐसे मिलते हैं मुझे। तो फिर मैंने कल परसों सामान रखने के लिए कुछ खोला तो देखा बहुत गंदी आदत हो रखी थी, तो मैंने तो बेड के लिए बुलाया था, तो उसमें पेंट वेंट करके सामान बचा था, अभी बाहर का बहुत एरिया मुझे अभी साफ करना है, कपड़े से करना है। और ये जो रजाई मैंने अभी भी बाहर निकाल के रखी है, मेरे को ये पता नहीं कुछ और कपड़े पुराने कपड़े थे वो अंदर रख रही थी बेड में, मैंने कहा ये बेड में रख देती हूँ, तो देखा कि इस रजाई पे पूरे में पाउडर सा हो रखा था, फिर इसको धूप लगाई और इसको अभी वापस रखने अंदर नहीं रखा, पता नहीं क्या गिर गया। एलर्जी की समस्या चल रही है, आँखों में दवाई डाल रही हूँ, नाक में दवाई डाल रही हूँ, मतलब हालत ख़राब हो रखी है अहमदाबाद आके। बाकी तो सब ठीक है, हमारे घर में ना ये वाला मुझे बहुत गंदा लगता है, ऐसे मैं जैसे ब्लॉग शूट करती हूँ सबसे पहले यही डेरा दिखता है यहाँ पे सामने, इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा, या तो पर्दा बनवाना या आँख में कुछ गिर गया। फ्रेंड्स मैं एलर्जी की दवाई खा भी रही हूँ, और नाक में डालने की भी है, आँखों में डालने की भी है, तो बस दवाइयों के सहारे अभी चल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर दवाई ना लूँ तो मेरी एलर्जी इतनी मुझे जीना ही नहीं देती, ऐसे प्रॉब्लम हो रखी है। और इस रूम में पेंट हुआ है, और वो भैया वक्त भी साफ करके गए बेचारे, पूरा नीचे से भी क्लीन करके गए, थोड़ा बहुत है जो मुझे अभी करना है, अभी सोफे वगैरह वापस सेट करूँगी,
ये वैसे मैंने नहीं बेड शीट वगैरह डाल दी थी, मैंने कहा कहीं भी कलर का छिट्टा नहीं लगेगा, पर उन्होंने फिर भी इतने अच्छे से किया कि कुछ भी नहीं गिरा, बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल नई कर दिया अभी फ़िलहाल तो। दीवारें देखो, और एक जो हमारे रूम में दीवार ख़राब, क्या हुआ अभी सूख गया इतना जल्दी ने? अभी ये आधा घंटा ही हुआ भैया कुकर के गए हुए, पर नहीं सूख गया बिल्कुल, और हमारा रूम बिल्कुल न्यू बन गया। कैसा लग रहा है सोरू तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है कि नया घर अभी खरीदा। अच्छा, नया घर अभी खरीद, ऐसा लग रहा है। तो अब बस ये सोफे सेट करते हैं, टाइम हो रहा है चाय पीने का भी। चाय बनाएंगे, चिकू हमारा सो रहा है। मैंने इस बारी काफी 10 दिन के बाद मैंने राजपूती ड्रेस पहनी होगी। हाँ 10 दिन तो क्या, जन्माष्टमी पे पहनी थी, पर उस दिन तो क्या हुआ, पहनी आके खोल दी। अब मैंने वापस, मैंने कहा चूड़ा वूड़ा पहनते हैं वापस, प्रॉपर लुक वही रखते हैं अपना राजस्थानी। तो कितने दिन तक ड्रेस पहनती हूँ ये कन्फर्म नहीं है, पर अब सोचा ये आज देखो मैंने चूड़ा भी पहना बना, तो ये आगे जो कड़ा पहना हुआ ना, ये एक ही कड़ा ही रखती थी। ये कड़ा भी वैसे अच्छा है देखो। तो ये चूड़ा मैंने चिकू हुआ तब पहना था। इन चूड़ों का कुछ पुराना होता ही नहीं है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, कितना ही पहन लो। क्या करना है तुझे, बात करनी है तो बोल। मेरे पास आधा है। अच्छा, तो ये चूड़ा मैंने काफी टाइम पहना फिर खोल दिया, अब आज मैं इनका यही पहन लेती हूँ, थोड़े दिन घर में पहनने में काम आ जाएगा, और थोड़ा और पुराना कर देती हूँ इसको। और क्या बताऊँ, हम्पी भी है ना पूरी पपड़ी निकली हुई थी, ऐसे खड्डा सा गंदा लग रहा था, तो ये भी ठीक कर दिया भैया ने वाइट सीमेंट लगा के, और ये वाली दीवार है इसको भी अच्छा कर दिया। ये भी पूरे में सीलन आ गई थी, पर ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, 10 दिन के अंदर देखना वापस गिर जाएगा, यहाँ का ऐसा ही सीन है। अब चलते हैं किचन में, किचन जैसे खाना वाना खिलाया था वैसे छोड़ के गई थी, और अब देखो बर्तन वर्तन करूँगी, सब्जियाँ खाली करूँगी, और ये चिक्कू के मखाने हैं इसने जो सेक के रखती है, वो थोड़ा टाइम पास करता रहता, खाता रहता है टीवी के आगे बैठा रहता है तब। और बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े से बर्तन है बस, खाने के बर्तन बचे हुए। फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है शाम के 6:30 हो रहा है, मैंने आटा लगा लिया है और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है, सब्ज़ी अभी पक रही है, लहसुन छीलना है, लहसुन मैं कच्चा डाल दूँ इसलिए, और अभी उपेंद्र जी आने वाले हैं तो उनके लिए चाय बनानी है, और ये फटाफट से काम कर रही हूँ ताकि सोरू वापस आता है। सोरू जिम से आता है, हमने सॉरी मुझे ना जिम ही नाम आता है, वो आजकल स्विमिंग ज्वाइन कर रखी है उसने, तो स्विमिंग से वापस आता है तो उसको भूख लग जाती है, और फिर मैं अभी थोड़ी देर बाहर चली जाऊँगी सबसे, मतलब चिकू को लेकर थोड़ी देर बाहर खिलाने के लिए, तो ये सारी मैं तैयारी करके रखती हूँ, आते ही फिर मैं पूजा करती हूँ, पूजा करके साथ के साथ फिर रोटी बना के दे दूंगी, इसलिए सब्जी पहले मैं बाहर जाने के बाद वापस आके। हाँ तो गाइस अभी जब मैं पढ़ रहा था मेरे को फिर से आई फ्लो हो गया है, कंजक्टिविटीज भी हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी किचन का काम हो गया है कंप्लीट, और दूध जमाना बाकी है, बाकी सब हो गया, खाना वाना सबका हो गया आज तो, चिकू को भी खाना खिला दिया, और सोरू के आई फ्लू पूरा ठीक हो रखा था आज, फिर से देखो चश्मा लगा के बैठा, आँख में पानी आ रहा है, और दवाइयाँ वगैरह डाल ली है। और क्या बताऊँ, मैंने अनु कन्नू के लिए ऑनलाइन ड्रेसेस मंगाई है जो आ गई है, और उनका लिंक मैं ऑनलाइन कहाँ से मंगवाती हूँ, जो मेरे मतलब भाभी है ना बड़े वाले, उनके गाँव के हैं, नीतू नाम है उनका, तो वो ऑनलाइन काम करते हैं, और उनकी इंस्टा पे भी आईडी है, तो आप इंस्टा से ऑनलाइन मंगवा सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से कितनी बार बोला है, स्पेशल आपकी डिमांड पे मान लो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार मुझे बोला है कि इनका लिंक बताइए, हमें राजपूती ड्रेस खरीदनी है, कहाँ से खरीदें, इनके नंबर दे दो, लिंक दे दो, तो मैं आपको फाइनली आज इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ, तो आप इंस्टा से इनसे अपनी ड्रेसेस मंगवा सकते हैं, हेवी में चाहिए तो, शादी के हिसाब से चाहिए, डेली यूज के हिसाब से चाहिए, आपको हर वेराइटी मिल जाएगी। तो अभी ड्रेस ओपन करके दिखाती हूँ, और आज से पहले मैंने जितनी भी ड्रेसेस ऑनलाइन मंगाई है, अनु कन्नू के लिए मंगाई है, मम्मी के लिए, सब इन्हीं से मंगवाई हुई है, कोई और से नहीं मंगवाई हुई है, तो आप आराम से मंगवा सकते हो, नो टेंशन हो के, अभी ड्रेस दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाले दो कलर मंगाए हैं मैंने, दोनों के सेम ही मंगवाए हैं, तो बहुत सुंदर ड्रेस था ये, जैसी फ़ोटो में थी डिट्टो वैसी ड्रेस है, और इसकी ओढ़नी प्योर की है, बाकी प्योर नहीं है, बाकी ये क्या बोलते हैं क्रेप में है ये क्रेप, मुझे इस कपड़े में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कुछ नाम था इसका तो वो है ये कपड़ा, और पूरे लहंगे, ये लहंगे में पूरी बाउंड्री बनी हुई है, आपको पूरा खोल के बताती हूँ, थोड़ा अंदर से कुछ कुर्ते कांचली होएगा, और देखो ये है मगजी जो पाइपिंग लगती है, ये काम आता है इस पर, और ये है कांचली का कपड़ा, कुर्ती का कपड़ा कहाँ गया, हाँ ये है कुर्ती का कपड़ा,
तो ये देखो इसकी फोर साइड, ये बॉर्डर बना हुआ है ऐसे, कुर्ती का जो नीचे का सीन साइड रहती है, और ये गला भी बना हुआ है। तो ये हमारा गला हो गया और ये साइड हो गई। तो ये हो गई कुर्ती, और कांचली पे बाजू पे स्लिप्स में कुछ है थोड़ा सा डिजाइन, बस ये लाइन सी, ये बस ये बाजू हो गई, पूरा मत खोल सोरू। और ये है मगजी, और लहंगा अभी मैं पूरा नहीं खोल सकती क्योंकि पूरे लहंगे में बस ये डिजाइन है और छोटे छोटे ये फूल बने हुए हैं। और ओढ़नी के पूरे फोर साइड ये बॉर्डर आएगा। जो ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, दोनों ड्रेसेस अच्छी है, दोनों वैसे सेम ही है, तो इतनी क्या बताऊँ आपको। तो आप भी इनसे आराम से ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ड्रेसेस कैसी लगी आपको ये भी ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप भी राजपूती ड्रेस आराम से ख़रीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो प्लीज़ ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवा सकते हैं इंस्टाग्राम से। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आज का ब्लॉग।